एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आरआरबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, तो प्रीवियस ईयर स्टाफ नर्स जो आरआरबी का एग्ज़ाम्स है उसके शॉर्ट पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, जिसकी जो आज की क्लास होने वाली है वो कौन से नंबर क्लास होने वाली है आपकी, 29 नंबर क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होनी, 29 नंबर क्लास होने वाली है। पिछली क्लास अभी तक किसी ने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, वो बहुत ही बेनिफिशियल क्लास आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग एजुकेशन आपके लिए लेके आया है क्या दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन लेके आया आपके लिए आरआरबी ओल्ड पेपर लेके आया है, ठीक है। इसे सभी प्रकार के आरआरबी के ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे, साथ ही में क्या दोस्तों क्या मिलेगा आपको, नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मिलेगी आपको, ठीक है। नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मिलेगी आप सभी को, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जब पूछे गए हैं सभी आपको ओल्ड पेपर मिलने वाले हैं, और नर्सिंग बुकलेट में आपको रैशनल वाइज सारा डॉक्यूमेंट मिलने वाला है। और ये सभी कितने रुपए में मिलने वाला है आपको, मात्र कितने रुपए में मिलना है आपका, मात्र मिलने वाला है आपको 250 रुपीज़ में मिलने वाला है। ये ऑफर प्राइस है आप सभी का, ठीक है, ये 99% ऑफर रखा गया है आपके लिए, 250 में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरआरबी ओल्ड पेपर भी और नर्सिंग बुकलेट भी आपको मिलने वाली है। कहाँ से आप लीजिएगा इसको, आपको व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप करिए, मैसेज कीजिएगा 9351609780, यहाँ पर जाकर कीजिएगा मैसेज, आप वहाँ पर जाकर आपको पूरा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट जो भी हमने आपको बताया, यहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हम कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड भी करते हैं। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, अब बात हम जो कर रहे हैं 2015 के अंदर जो अहमदाबाद स्टाफ नर्स का सॉल्व पेपर है उसको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। क्लासेस पूरी देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट ए रेस्पॉन्स नॉन एज फाइट एंड फ्लाइट। दोस्तों आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एक प्रकार का ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो कि बेसिकली आपकी जो रेस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट का, या तो आप लड़ लीजिए या फिर भाग जाइए, ठीक है, तो इसको क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स को क्या करता है, इनिशिएट करता है, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। यानी कि व्यक्ति जो होता है अगर किसी ऐसी अवस्था में हो जाता है जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, या तो वो कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे कि आप बात की जाए कि आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पीछे डॉगी पड़ गया है, ठीक है, कोई शेर आपके पास आ गया है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसको डिवीजन जो होता है ये इनिशिएट करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, व्हाट शुड बी एट द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पॉन्जिंग। दोस्तों एक होता है हॉट स्पॉन्जिंग, एक होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग, ठीक है, एक होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग। अब कोल्ड स्पॉन्जिंग का पूछ रहा है कि कोल्ड स्पॉन्जिंग आप किसी पेशेंट के अंदर करते हैं, कि ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग जो की जाती है उस ठंडे पानी का तापमान कितना होना चाहिए, वह क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, देखिए दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग, एक होता है हॉट स्पॉन्जिंग, ठीक है। तो आप सभी को पता ये होना चाहिए कि सब ये देखिए, ये जो टेम्परेचर है ये कोल्ड का है और एक हॉट का भी आता है, क्या आता है, एक हॉट का भी आता है, ठीक है, एक आता है कोल्ड का, एक आता है हॉट का। तो आपसे अगर बात की जाए कि सर ये बताइए कि सर कोल्ड का कौन सा होता है और हॉट का कौन सा होता है, तो दोस्तों हॉट का बात की जाए, या पहले बात कर लेते हैं कोल्ड की, कोल्ड स्पॉन्जिंग की बात कर लेते हैं, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग जब काम आती है, जब क्या होता है आपको, जो आपकी कोई ब्लीडिंग हो रही है, मान लो क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस तबे का काम आती है आपकी कोल्ड स्पॉन्जिंग, ठीक है, कोल्ड स्पॉन्जिंग उस तबे का काम आती है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, तो बात की जाए कोल्ड स्पॉन्जिंग की, तो आप कर सकते हैं 60 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर कितना आप 70 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है,
60 डिग्री फॉरनहाइट से कर सकते हैं, 70 डिग्री फॉरनहाइट। और अब बात की जाए आपके क्या हॉट स्पॉन्जिंग की, क्या बात की जाए हॉट स्पॉन्जिंग इन टेम्परेचर की, तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर कर सकते हैं 90 डिग्री से लेकर, ठीक है, 90 डिग्री से लेकर आप 95 डिग्री फॉरनहाइट तक आप कर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपके सामने दी गई है कि 60 डिग्री से 70 डिग्री फॉरनहाइट आप करते हैं तो क्या होता है आपका, कोल्ड स्पॉन्जिंग होता है, और 90 से 95 डिग्री होता है तो आपका क्या होता है, ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 70 डिग्री फॉरनहाइट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोल्ड स्पॉन्जिंग के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कोल्ड स्पॉन्जिंग के बारे में पूछ रहा है। इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 70 डिग्री फॉरनहाइट। क्या हो जाएगा, 70 डिग्री फॉरनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं विच न्यूट्रेंट इज मोर फाउंड इन द एग्स। दोस्तों एग्स के अंदर कौन सा न्यूट्रेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप सभी को पता है एग्स के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, कैल्शियम भी पाया जाएगा, फैट भी पाया जाएगा, विटामिन भी पाया जाएगा, ठीक है, प्रोटीन पाया जाएगा, आयरन नहीं पाया जाएगा, लेकिन बेसिकली प्रोटीन इसके साथ में दिया गया है, तो ये कई तरीके से सही हो सकता है। लेकिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी दोनों ही जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एक्स के अंदर, नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, एक्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर पूछा है नॉट, इसमें पूछा था नॉट, तो नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्व मॉलिक्यूल। एक ऐसी प्रोसेस कौन सी दोस्तों, सेल के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, ठीक है, सेल के अंदर की एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक प्रकार से एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस, एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस जिसके अंदर सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल, जिसके अंदर आपकी सेल क्या करेगी, जब भी एब्जॉर्ब करेगी किसको, मॉलिक्यूल्स को, तो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वो पूछ रहा है जैसे कि प्रोटीन को क्या करती है, ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है, तो आपकी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। तो उसके अंदर वो किस चीज़ को एनगल्फिंग करती है, वो पूछा जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाती है। तो ये प्रोसेस आपकी दोस्तों कहलाती है क्या, एंडोसाइटोसिस। देखिए दोस्तों ये होता है आपकी सेल, अगर आप सेल के बाहर कोई ऐसी प्रोसेस हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस, और सेल के अंदर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन एंडोसाइटोसिस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपकी सेल क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम कर रही है जैसे कि प्रोटीन, तो इसमें क्या हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस। चलिए अब बात ये आपको इंपॉर्टेंट बताया गया है एंडोसाइटोसिस के बारे में और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो एक प्रकार की सेलुलर प्रोसेस होती है जिसके अंदर सबिस्टेंस जो है इसको ब्रॉट इन टू द सेल, जैसे कि ऐसी सबिस्टेंस जो कि सेल के अंदर मौजूद है उसकी, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर की बात कर रहा है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, दो प्रकार के एंडोसाइटोसिस होती हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फेगोसाइटोसिस। ये एग्जाम्पल की बात की जाए तो एंडोसाइटोसिस की, तो इसके अंदर ल्यूकोसाइट हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये किसके हो गए, एंडोसाइटोसिस के एग्जाम्पल हो गए। मोनोसाइटोसिस जो मोनोसाइट जो होते हैं ये इनगल्फ करते हैं किसको, फॉरेन सबस्टेंस को, लाइक बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया आपकी सेल के अंदर प्रवेश करता है तो आपके मोनोसाइट जो होते हैं ये उन बैक्टीरिया को क्या कर देता है, निगल जाता है, एनगल्फ कर लेता है। पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है, एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्टेड हो जाते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। और पिनोसाइटिस जो होते हैं ये एक प्रकार के टाइप होते हैं किसके ही, एंडोसाइटोसिस के, ठीक है। फेगोसाइटोसिस जो होता है एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो इंजेस्टेड हो जाते हैं बाय लिविंग सेल्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, इंजेस्टेड बाय द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंडोसाइटोसिस, ये बात कर रहे हैं सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। एक्सोसाइटोसिस की बात की जाए तो एक्सोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, सेल मूव मटेरियल्स फ्रॉम विद इन द सेल इन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम फ्लूड, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं ये करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर जाते हैं। और एक्सोसाइटोसिस एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वेसिकल क्या करता है, फ्यूज करता है किसके साथ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, अलाउ द कॉन्टेंट टू रिलीज द आउटसाइड द सेल, मतलब कि ये करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़कर क्या करते हैं, कंटेंट्स को सेल के बाहर ले जाने का काम करते हैं। एंडोसाइटोसिस जो होता है वो 4 स्टेप्स में होती है,
एक होता है कंस्ट्रिक्टिव एंडोसाइटोसिस, इसकी 5 स्टेप होती है। रेगुलेटेड एक्सोटाइसिस होता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, एक तो ट्रैफिकिंग, ट्रैकिंग, डॉकिंग, प्रीमिंग एंड फ्यूजिंग, ये इसकी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। बेसिकली एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल के अंदर, और एक्सोसाइटोसिस होता है सेल के बाहर। ऐसी प्रोसेस जो सेल के अंदर हो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ऐसी प्रोसेस जो सेल के बाहर हो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थी। तो इसका आंसर क्या था आपका, एक्सो एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल आंसर था, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई ये बताइए कि वन ऑफ द फॉलोइंग विच मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस इन द लंग कैंसर। दोस्तों अगर बात करें लंग कैंसर की, तो पूछा गया है अगर आपको लंग कैंसर है तो आपका जो ये कैंसर है ये मेटास्टेटिस, मतलब कि कौन से ऑर्गन की तरफ सबसे जल्दी फैलने वाला है, ठीक है? तो इन आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्या होता है लंग कैंसर होता है तो चांसेस सबसे पहले दूसरे ऑर्गन के खराब होने के रहते हैं, यानी कि जो कैंसर है ये मूव करके कहाँ चला जाएगा, आपका मेटास्टेसिस मतलब कि फैल जाना, कहाँ फैल जाना, कहाँ पर मूव करके कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास चल जाएगा। और लंग कैंसर तो है ही, साथ में आपको लीवर कैंसर भी हो जाता है, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन साइट होती है मेटास्टेसिस लीवर का, लंग कैंसर की कौन सी, लीवर, ठीक है? बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, कौन से प्रकार का ऐसा विटामिन होता है जो सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल रहता है। तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सो फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अंदर आता है आपका क्या क्या आता है बताइए, विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक है? ये दो विटामिन आते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है, वाटर सोल्यूबल के अंदर। तो सही सा उत्तर आपके सामने खुद रखा हुआ है कि कौन सा एक विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल होता है। तो आपको क्या आंसर करके आना है, आपको आंसर करके आना है कि सर सर क्या विटामिन सी, कौन सा विटामिन सी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया विटामिन सी एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, लवानी इजे, लवानी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। लवानी क्या होता है दोस्तों, लवानी एक प्रकार का क्या होता है, फॉल्क होता है। क्या होता है, फॉल्क क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट बात की जाती है, फॉल्क सॉन्ग होता है। लवानी क्या होता है, एक प्रकार का फॉल्क सॉन्ग होता है, और कहाँ का होता है दोस्तों, ये होता है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का फोल्क सॉन्ग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड, एक ऐसा एजेंट जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, वो कौन सा एजेंट होता है, तो वो होता है आपका कौन सा दोस्तों, डिसइन्फेक्टेंट। क्या होता है, डिसइन्फेक्टेंट जो होता है आपके ऐसे इन्फेक्शन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि किसी आर्टिकल पर मौजूद होते हैं, तो डिसइन्फेक्ट करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। चलिए द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, कौन सा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी हो जाता है इंडिया के अंदर। तो वन पर वन बात की जाए, एक होता है मैटरनल मोर्टिलिटी, एक होता है मैटरनल मॉर्बिडिटी। मैटरनल मोर्टिलिटी की बात की जाए, अगर मोर्टिलिटी की बात की जाए तो कौन सा कारण हो जाएगा, सब बताइए कौन सा कारण हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका हेमरेज। और बात की जाए मैटरनल मॉर्बिडिटी की, मॉर्बिडिटी जो कि आपके सवाल पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनीमिया, ठीक है? तो सबसे ज्यादा मैटरनल मॉर्बिडिटी किसी वजह से होती है इंडिया में, तो एनीमिया से होती है, ठीक है? चलिए बात करते हैं एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द यूरिनरी एंड जेनेटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड जेनेटो यूरिनरी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपके यूरिनरी और जेनेटल ट्रैक्ट के बीच में एक प्रकार का ऐसा कम्युनिकेशन हो जाए, कनेक्शन हो जाए, वैसे अलग अलग रहते हैं दोनों लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन को कहते हैं अपन क्या, फिस्टुला। आपने ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टुला नाम सुना होगा, जिसमें आपके इसोफेगस और ट्रेकिया आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से यूरिनरी सिस्टम और जेनेटल ट्रैक्ट सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनेटल ट्रैक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसकी वजह से कहते हैं फिस्टुला ही कहा जाता है, यानी कि किसी प्रकार के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, फिस्टुला कहा जाता है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कंडक्टिंग पैप स्मियर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज, अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, और कौन सा एग्जामिनेशन हो रहा है,
स्मियर टेस्ट मतलब कि आपके सर्वाइकल म्यूकस प्लग को, सर्वाइकल म्यूकस प्लस, सर्वाइकल म्यूकस प्लग उसको क्या कहते हैं, उसका नमूना लेकर एग्जामिनेशन कराया जा रहा है कि भाई उस पेशेंट को, उस महिला को सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा सेकेंडरी। सर्वाइकल किसी भी कैंसर को, डायग्नोसिस को, कोई भी डायग्नोसिस अगर आ जाता है ना वर्ड में, डायग्नोसिस करा रहे हैं, तो वो हमेशा सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ठीक है, ये ध्यान रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विद इन। अगर दोस्तों किसी न्यूबॉर्न की डेथ डेथ अगर किस में हो जाए दोस्तों, किस में हो जाए, इंपॉर्टेंट, अगर 28 दिन के अंदर हो जाती है, 0 से लेकर 28 दिन की बात कर रहा हूँ, जब से जन्म लिया है बेबी, 0 से लेकर 28 दिन के अंदर हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको, नियोनेटल मोर्टेलिटी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की आपके स्क्रीन पर, ये रहा, इंसिडेंस ऑफ ए डिसीज इज डिफाइंड एज, अगर किसी पॉपुलेशन में कोई भी नई बीमारी एंटर करती है तो उसको कहा जाता है इंसिडेंस, किसी पर्टिकुलर समय पर। समझ गए, तो क्या कह रहे हैं इसका आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सर नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन द स्पेसिफिक पीरियड, कोई पॉपुलेशन है यहां पर, ठीक है, इसके अंदर कोई बीमारी है जो पहले से थी, पहले से इसमें 10 केस थे कोरोना के, अब नए 5 केसेस और जुड़ गए, टोटल कितना कितना हो गए, 15 केसेस हो गए, तो ये नए केस जो होंगे इसको कहा जाएगा इंसिडेंस, क्या कहा जाएगा, इंसिडेंस। और बात की जाए प्रिविलेंस की, तो नए केस प्लस पुराने केस 15 केसेस, इसको कहा जाएगा प्रिविलेंस। इंसिडेंस पूछा गया है, तो नए केसेस अगर स्पेसिफिक टाइम के अंदर आ जाए, जुड़ जाए, जैसे कि 5 केसेस जुड़ गए थे नए, तो इसको कहा जाता है इंसिडेंस, क्या कहा जाता है, इंसिडेंस कहा जाता है। अगर पूछ ले आपसे प्रिविलेंस के बारे में, तो ध्यान रखना नए केस और साथ पहले जो पुराने केसेस थे दोनों ही आपस में जुड़ के 15 केस हो गए, तो दोनों केसेस जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रिविलेंस कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिड डे मील क्या, चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स न्यूट्रेंट। अगर मिड डे मील की बात करें, मिड डे मील प्रोग्राम भारत देश ने, भारत सरकार ने चलाया था ताकि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल के अंदर जो पढ़ते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको स्कूल के मिड इंटरवेल में ही, स्कूल के मिड इंटरवेल में ही, स्कूल में ही कम से कम कितना, 300 कैलोरी, 300 कैलोरी तो क्या प्रोवाइड हो जाए, 300 कैलोरी प्रोवाइड हो जाए, और प्रोटीन, प्रोटीन कितना प्रोवाइड हो जाए, प्रोटीन प्रोवाइड हो जाए आपका कितना दोस्तों, प्रोटीन प्रोवाइड हो जाए आपका 8 से 12 ग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 300 किलो कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड हो जाए उसको, ताकि उसको ये न्यूट्रिएंट स्कूल के स्कूल में ही मिल जाए, इसलिए मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया था सरकार के द्वारा, और ये हर एक बच्चे की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट और जान लो इसको। इन दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर ऐसे बच्चे जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक हैं, उनको 100 ग्राम फूड पर डे स्टूडेंट को देना होगा आपको, 100 ग्राम स्टूडेंट, 100 ग्राम पर फूड, यानी कि 100 ग्राम हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, जिसके अंदर आपका 300 कैलोरी होनी चाहिए उस खाने के अंदर, और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए उसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आता है, 2007 के अंदर इस स्कीम को चेंज करके किस नाम से कर दिया गया था, NPNSPE टू प्राइमरी एजुकेशन टू नेशनल प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम कर दिया गया था इसको, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम ये कर दिया गया था, ठीक है, और इसके बाद में इसको 5th क्लास से बढ़ाकर 8th क्लास तक कर दिया गया था, यानी कि पहले तो 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही क्या मिल रहा था, खाना मिल रहा था, अब 6ठी से 8वीं क्लास तक के को भी मिलने लग गया, यानी कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के खाने का, बच्चे का इंतजाम स्कूल में ही हो जाएगा।
समझ में आया? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 300 किलो 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। दोस्तों दोस्तों बैकबोन की मतलब क्या होता है, बैकबोन का होता है रीढ़ की हड्डी। क्या? रीढ़ की हड्डी, मतलब कि जिसके बलबूते सारा काम चल रहा है। तो कहा जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी की हेल्थ का पता लगाना है तो किसका विजिट कीजिए, बैकबोन उसकी हड्डी कौन है, तो किसका पता लगाइए आप, तो इसका पता लगाइए आप फैमिली। अगर फैमिली ही नहीं होगी तो कम्युनिटी नहीं होगी, तो इसलिए फैमिली को रीढ़ की हड्डी माना जाता है कम्युनिटी की हेल्थ का। ठीक है, अगर किसी की कम्युनिटी के अंदर कोई हेल्थ का पता लगाना है तो फैमिली का टूर कर लो, फैमिली का क्या कर लो, जाके पूछ लो हाल चाल, तो फैमिली से पता लग जाएगा कि उसकी कम्युनिटी की हेल्थ कैसी होगी। अगर फैमिली की हेल्थ खराब होगी, किसी फैमिली की हेल्थ खराब होगी, तो पूरे कम्युनिटी की हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए फैमिली को ही बैकबोन कहा जाता है, किसका, कम्युनिटी हेल्थ का। समझ में? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आपने सुना होगा सभी, ज़्यादातर वैक्सीन जो होती है +2 डिग्री सेल्सियस पे और +8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है। कोल्ड चेन की अगर बात करें तो मैक्सिमम दवाइयाँ जो होती है वो +2 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है, लेकिन एक वैक्सीन जो -20 डिग्री पे रखना होता है आपको, नहीं तो वो ख़राब हो सकती है और उसकी जो पोटेंसी होती है उसको वो क्या कर सकती है, लॉस कर सकती है। क्या कर सकती है? लॉस कर सकती है। और आपका क्या हो सकता है, कोल्ड चेन फेलियर हो सकता है। क्या हो सकता है? कोल्ड चेन फेलियर आपका हो सकता है अगर आपने -20 डिग्री पर उसको नहीं रखा तो। तो ऐसी कौन सी दवा है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, पोलियो वैक्सीन जो होती है, ठीक है, इसको -20 डिग्री पे आपको स्टोर करना होता है। ठीक है, -20 डिग्री पे इसको स्टोर करना होता है। वैसे तो बात की जाए तो +2 डिग्री +8 डिग्री सेल्सियस पे आप टीकाकरण पे लेके जाते हैं, लेकिन स्टोरेज टेम्परेचर की बात की जाए, जो बात करते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर आपको -20 डिग्री पे रखना पड़ेगा इस पोलियो दवा को, नहीं तो ये खराब हो सकती है जल्दी, ध्यान रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आपके सामने ये रहा, कॉन्डोम प्रोटेक्ट फ्रॉम, कॉन्डोम किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है आपको, तो आप सभी को पता है कॉन्डोम एक तो आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट कर देगा भाई, अगर स्पर्म का और ओवम का मिलन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती है। तो कॉन्डोम आपको प्रेगनेंसी से तो मदद करेगा ही करेगा, साथ में जो आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है, जैसे गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, इन सभी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज से भी रोकने का कार्य करता है आपका कॉन्डोम। तीसरी चीज यही, रिपीटेड टेस्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिशन दोनों से ही करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज आशा। एक आशा जो होती है, आशा के बारे में बता दूं, आशा जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा की फुल फॉर्म होती है, एक एक CHO होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, उसके अंडर ANM काम करती है और ANM के अंडर आशाश काम करती है, ध्यान रहे। ठीक है, और आशा का बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो कितनी होनी चाहिए, तो एक आशा जो होती है इसको कम से कम पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। वैसे बात करते हैं 8th पास होनी चाहिए, लेकिन बात करें लिटरेट होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, चलिए तो ये था आज की क्लास के बारे में हमने आपको बताया। कल दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। फिलहाल आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारे जो कंटेंट अच्छे लगता है आपको, ठीक है, तो ऐसा ही कंटेंट हमने, कितना 90% ऑफ आपको चल रहा है, हमारी RRB PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, साथ में आपको नर्सिंग, क्या मिल जाएगी आपको,
नर्सिंग ऑफिसर इम्पोर्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर आरआरबी के लिए ही है और सभी एग्जाम के लिए है, इम्पोर्टेंट बुकलेट मिल जाएगी आपको। और दोनों ही कितने में मिलेगी? मात्र मिलेगी 250 रुपीज़ में। यहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, सभी को मिल जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो 9351609780 पर जाकर क्या कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।